नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, रोहतास से जिला रिपोर्टर राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिला के सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत अमरी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आई है। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सदर डीएसपी कार्यालय पहुंच गया। इन लोगों का कहना है कि वे लोग जब मुफस्सिल थाना गए तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी। ऐसे में अपने जानमाल की रक्षा तथा न्याय के लिए वे लोग डीएसपी कार्यालय पर अपने बाल बच्चों के साथ पहुंच गए। लगभग 40 की संख्या में बच्चे तथा महिलाएं अनुमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। लोगों का कहना है कि पुलिस उन लोगों की नहीं सुन रही है। घटना यही हुआ है कि हम लोग के ईटा पत्थर से वो लोग मार रहा है, सब मुखिया के परिवार, संजय नटराज के परिवार सब मार रहा है। मारने वाले अमरी टोला के हैं, हम लोग भी अमरी टोला के हैं, तो हम लोग एक गोतिया है, हम लोग चार गोतिया है, चार गोतिया मिलकर हम लोग के मार रहा है। संजय नटराज जो मारे हैं, संजय नटराज, डमरू नटराज, नन्नू नटराज, बालक कुमार, रेहाना देवी, मंटी देवी, मंजू देवी, बहुत यही लोग सब मार रहे हैं। ये हम पिंटू नटराज, पिंटू नटराज, पिंटू नटराज, घायल मेरी बुआ हुई है, उसका 4 महीना का बच्चा था। गोपी नटराज, डमरू नटराज, संजय नटराज मार के उसका पेट गिरा दिया, पेट गिरा दिया। थाना में मिली है, थाना में सूचना दी है, थाना में सूचना दिए तो थाना वाला केस नहीं ले रहा है हम लोग को। किस थाने में? मुफस्सिल थाना, तालाब अमरा तालाब पर के थाना। हाँ, वो लोग केस नहीं ले रहा है हम लोग को। हम लोग को धमकी दे रहा है कि यहाँ से भागो, नहीं तो डंडा से मार कर फोर्स गिराएंगे, पैसा ले रहे हैं वो लोग से, पैसा ले